क्वेश्चन है कि रेलवे लाइंस आर लेड विद गैप्स टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन, तो रेलवे की जो लाइन होती है ना उसमें गैप छोड़ा जाता है इतना, क्योंकि गर्मियों में वो एक्सपैंड होंगी वो ऐसे चिपक जाएंगी, अगर गैप नहीं होगा सीधा चिपका देंगे और गर्मी पड़ गई तो इनको जगह नहीं मिलेगी एक्सपेंशन के लिए और पटड़ी ऊपर आ जाएगी तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो जगह तो छोड़नी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या होगा, वो कह रहे हैं कि मान लो एक रेल की जो लाइन है, एक जो स्टील की लाइन है वो 66 मीटर लॉन्ग है, तो इतनी मीटर लॉन्ग है। अब वो कह रहे हैं कि इसमें जो गैप छोड़ा गया वो कितना छोड़ा गया, 3.60 सेंटीमीटर, ताकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो 3.60 अगर वो बढ़ भी गया तब भी एक्सीडेंट नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो इसका मतलब क्या समझें कि जो 66 मीटर लंबी लाइन है जब टेम्परेचर इंक्रीज करें उसका डेल्टा एल कितना होगा, हो जाए 3.63। डेल्टा एल का मतलब इंक्रीज इन लेंथ क्या हो जाए, जितनी गैप है, गैप कितने 3.63। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये डेल्टा एल है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है डेल्टा एल क्यों है, वो इसलिए डेल्टा एल है क्योंकि ये 66 मीटर लंबी लाइन है और ये मान लो आगे का ट्रैक है, तो इसने एक्सपैंड होके इतना एक्सपैंड हो जाना है, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 3.63 सेंटीमीटर है। तो ये एल है और ये डेल्टा एल है, तो ये गिवन है मेरे को। क्वेश्चन में ये बताना है कि, और मुझे ये भी गिवन है कि ये सारा कितने टेम्परेचर पे चल रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे उसकी लंबाई क्या है, 66 मीटर लंबी है। क्वेश्चन है मुझे बताओ नया टेम्परेचर क्या हो, अभी टेम्परेचर कितना चल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, नया टेम्परेचर क्या हो T2 या T1 है, ताकि ये जो लाइन है आपस में टच कर जाए, टच करने का मतलब मेरी लाइन की एक्सपेंशन कितनी हो जाए, 3.63 सेंटीमीटर हो जाए, तो लाइन की एक्सपेंशन 3.63 सेंटीमीटर हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। और आपको उस मटीरियल जिससे कि वो बनी हुई है रेल की लाइन, वो एल्फा आपको गिवन है इतना पर डिग्री सेल्सियस, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लेंथ ओरिजिनल पता है, डेल्टा एल आपको पता है कितना एक्सपेंड करवाना है, एल्फा आपको पता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, कैसे करवाया था ये, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था एल डैश इज एल 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, तो इसे अगर एक्सपेंड कर दें एल डैश इज एल प्लस एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, तो एल डैश माइनस एल की वैल्यू क्या आएगी, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी जो कि डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ गई, ये डेल्टा एल आ गया, ठीक है यहाँ तक। तो डेल्टा एल का ये फॉर्मूला हमने किया था, अगर मैं यहाँ से डेल्टा टी निकाल लूँ तो डेल्टा टी एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो डेल्टा एल मुझे गिवन है, लंबाई 66 मीटर गिवन है, एल्फा मुझे गिवन है, सॉल्व करके डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर आ गया 50 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी आया, ये नया टेम्परेचर नहीं आया 50, ये चेंज इन टेम्परेचर आया 50। अब मेरे को ये पता है कि आपको जो T2 माइनस T1 यानी कि डेल्टा टी कितना आया, 50 डिग्री सेल्सियस, पुराना टेम्परेचर कितना के क्वेश्चन में गिवन है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर कितना आने वाला है, 10 प्लस 50 कितना, 60, यानी कि आपने टेम्परेचर 10 से 60 किया तभी चेंज इन टेम्परेचर 50 आया, आंसर 60 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये थोड़ा ना प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला नहीं आता आपको, आपको ये समझना है कि गिवन क्या है, क्या लेंथ होगी और क्या डेल्टा एल होगा, तो अलग अलग सिचुएशन देगा और अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूले के अंदर कुछ नहीं है इसमें लगने वाला, फॉर्मूला सिंपल है, क्वेश्चन समझने की प्रॉब्लम है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखें, खुद समझें क्या किसकी लेंथ को इंक्रीज करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, देखो क्वेश्चन है, ब्लैकस्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ अ वुडन व्हील ऑफ अ
bullock cart. Diameters of rim and iron ring are given. मतलब क्या लंबी कहानी डाली है, कोई ब्लैक स्मिथ है उसको लेके आएंगे, रिम चढ़ाना है, रिंग चढ़ानी है, रिम के ऊपर चढ़ानी है, बंदा इसी में कंफ्यूज है कि रिंग है रिम किसको किस पे चढ़ाना है समझ में नहीं आ रहा। तो आप ये समझो एक रिम है, एक चक्के का रिम है, तो रिम फिक्स चीज़ है कोई, इसके ऊपर वो कह रहे रिंग चढ़ानी है, रिंग को चढ़ाना है। जो रिम है इस पर लिख लेते हैं डायमीटर्स ऑफ रिम एंड आयरन रिंग, तो ये क्या किसका डायमीटर है, रिम का, और ये किसका है, रिंग का। एक चीज नोट करो, रिंग छोटी है 5.23 और रिम बड़ा है 5.24, हल्का सा बड़ा है। तो अगर आपने रिंग को रिम पे चढ़ाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म, हीट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, कितना गर्म करना है, जितना ही हो जाए। अगर ये इसके बराबर हो गया तो डेल्टा एल क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो रिंग के लिए डेल्टा एल आ गया, तो गर्म होकर ठंडा होगा तो अपने आप चढ़ जाएगा, बात खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो यानी कि इनिशियल लेंथ रिंग की ये रही, ये L1 है, और L2 क्या होगा रिंग का, जितना रिम का। तो रिम और रिंग जब बराबर हो जाएंगे तभी रिंग चढ़ेगा रिम के ऊपर, तो ये ओरिजिनल लेंथ है रिंग की, और फाइनल लेंथ रिंग की क्या होगी, जितनी रिम की, ये 5.24 है। L1 L2 आ गया, डायमीटर में चेंज आ गया। अभी ये सब कुछ कितने डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है। क्वेश्चन है व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड, तो नया टेम्परेचर T2 क्या होगा ताकि रिंग पूरी तरह चढ़ जाए रिम के ऊपर। तो इसके अंदर L1 पता है, L2 पता है, आपको इस क्वेश्चन में T1 पता है, तो आप डायमीटर के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर, तो जिसके यूनिट्स मीटर होते हैं और मीटर में एक्सपेंशन हो रही है तो लेंथ वाइज एक्सपेंशन है, अगर मीटर स्क्वायर में एक्सपेंशन है तो सरफेस एरिया वाइज एक्सपेंशन है, और अगर मीटर क्यूब की एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन है। इसके अंदर लेंथ की एक्सपेंशन है तो नई लेंथ ये रही, ओरिजिनल लेंथ ये रही, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। तो ये टर्म आ गई आपके पास, L1 को मल्टीप्लाई कर लिया, या L2 माइनस L1 की ये टर्म आ गई, और यहाँ से T2 माइनस T1 एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। आपको ओरिजिनल लेंथ पता है रिम की, रिंग की, फाइनल लेंथ पता है रिंग की, ओरिजिनल लेंथ पता है रिंग की, और अल्फा भी पता है। सॉल्व करके T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या आ गई, 191 डिग्री सेल्सियस। आपको ये गिवन है इस क्वेश्चन में कि T1 कितना चल रहा था, 27 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, T1 27 को राइट पे ले जाएं, ऐड करके 218 डिग्री सेल्सियस। मेथड समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें रूल वही है, सेम चीज़ बार बार अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, कभी रिंग के ऊपर लगा दिया, कभी रॉड पे लगा दिया, कभी और किसी चीज़ पे लगा दिया, कॉन्सेप्ट एक ही यूज करना है इसमें, ठीक है यहाँ तक। सर इसमें सरकमफ्रेंस ही लेना चाहिए 2 पाई, मतलब जो लेंथ में सरकमफ्रेंस ही लेना चाहिए, डायमीटर लिया है ना। हाँ देखो वो कह रही है कि इसमें ऐसा लेना चाहिए था, हमें लेंथ को लेंथ नहीं लेनी चाहिए थी, डायमीटर का सरकमफ्रेंस लेना चाहिए था 2πr। हाँ ले लो, आप यहाँ 2πr लोगे, ये भी 2πr लोगे, फर्क नहीं पड़ता, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस और डायमीटर में रिजल्ट कर दो तब भी एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। कि रिंग का सरकमफ्रेंस है, लेंथ तो 2πr होगी, इसमें फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि ये भी 2πr, ये भी 2πr, तो 2π से 2π कैंसिल, इसलिए सीधा डायमीटर पे लगा दिया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, और इस क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर मेंस में, नीट में और स्कूल लेवल पेपर में देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो फॉर्मूला बुकलेट ओपन करो, इसको तो उसी में करते हैं, क्योंकि मैं इसका एक शॉर्टकट करवाने वाला हूँ, ये लंबे मेथड से नहीं कराऊंगा, छोटे से कराऊंगा, तो इसको एक बार करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या क्वेश्चन है? देना चाहिए था पिछले क्वेश्चन में, अल्फा गिवन कर लो, अल्फा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, अल्फा गिवन होना चाहिए, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 गिवन होना चाहिए। चिराग दिया, वो छुट्टियां मारते हैं यार बच्चे।
देखो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्लॉक विद एन आयरन पेंडुलम कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक घड़ी है, एक पेंडुलम लगा हुआ है उसमें आयरन का, वो इस तरीके से मूव करता है। तो वो कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे घड़ी बिल्कुल सही चलती है और टाइम पीरियड एकदम सही आता है, ठीक है। मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो लंबाई उस पेंडुलम की आयरन की क्या हो गई, बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ गई। तो टाइम पीरियड बढ़ा कि कम हुआ, तो ये बताओ, मेरा क्वेश्चन है, इंक्रीज हुआ टाइम पीरियड, ठीक है, आपने क्या क्या फॉर्मूला लगाया इसके लिए, ऐसा क्यों लगा टाइम पीरियड बढ़ा आपको, फॉर्मूला क्या लगाया, क्या 2π√L/g, राइट। तो आप फॉर्मूला बुकलेट में जरा प्लीज नोट करें, एक सिंपल पेंडुलम लिखें, सिंपल पेंडुलम, ये हेडिंग डालें, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g। ये पहला पॉइंट नोट करें, ये हमने काफी बार देखा हुआ है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक। फिर ये नोट करें कि इफ टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लेंथ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पेंडुलम की इंक्रीज हो जाएगी। तो लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ये लिखो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो पूछेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो कैपिटल टी बढ़ेगा, राइट। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आएगा, अगर 24 घंटे के लिए पेंडुलम मूव करे इस तरीके से तो टाइम पीरियड में लॉस होगा कि गेन होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा, वो कोई न्यूमेरिकल शायद ना पूछे, सीधा पूछेगा कि अगर इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई, टाइम पीरियड बढ़ गया, तो पूरा दिन अगर ये पेंडुलम मूव करता है तो टाइम पीरियड में गेन माना जाएगा कि लॉस माना जाएगा, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, लॉस क्यों। ठीक है, टाइम पीरियड समझते हो, जाने और आने का टाइम टाइम पीरियड है, गया और आया टाइम पीरियड है। अब ये बताओ मुझे, जो काम पहले 2 सेकंड में हो रहा था टेम्परेचर बढ़ने से, तुमने क्या बोला वो टाइम पीरियड बढ़ गया, वो काम 2.5 सेकंड में हो रहा है, ये तो नुकसान हो गया यार। जो काम 2 सेकंड में होता है वो काम 2.5 सेकंड में हो रहा है क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया, ये नुकसान है। मतलब ऐसे करते करते तो आप लेट कर रहे हो उल्टा, तो आपका पेंडुलम स्लो हो चुका है, पहले 2 सेकंड में आता था अब 2.5 सेकंड में आ रहा है, इमेजिन करो पढ़ के आ रहा है टाइम, तो नुकसान हो गया ये आपका। तो यहां पर आपने क्या मार्क करना है, देयर इज अ लॉस ऑफ टाइम, ओवरऑल लॉस माना जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये देखते समझ में आएगा लॉस या गेन। टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि देखना तो उसने टाइम ही है ना, तो देखना उसने टाइम में, तो टाइम के अंदर पूरे दिन में चलने के बाद क्या हो जाएगा उसका, टाइम पीरियड में लॉस मानना जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। अगर सेकेंड केस है, इफ टेम्परेचर को अगर हम क्या करते हैं डिक्रीज, तो लेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा डिक्रीज। अब जो काम 2 सेकंड में होता है वो जल्दी हो जाएगा, 1.5 सेकंड में हो गया, फायदा हो गया, तो फटाफट फटाफट, तो यानी कि टाइम पीरियड में क्या हो गया गेन, तो गेन इन टाइम पीरियड लिखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, गेन इन टाइम पीरियड लिखना है इसमें, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग टाइम पीरियड इंक्रीज करने के चक्कर में गेन लिख देते हैं ना, यहां पर टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब लॉस है और टाइम पीरियड कम होने का मतलब यहां पर गेन है।
तो पहला पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट समझो, जो अगर तो सीधा गेन या लॉस आ गया फिर तो आंसर आ ही जाएगा, ऐसे हो गया। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि अगर 24 घंटे के अंदर ये पेंडुलम चलता रहा तो पूरे दिन में कितना लॉस या गेन होगा, वो कैलकुलेट भी करके दिखाओ। तो कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, ये फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो प्लीज़। इसी में टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। तो अगर इमेजिन करो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूँ। अगर टाइम पीरियड पहले T1 है, ठीक है, और बाद में टाइम पीरियड T2 हो गया, तो चेंज इन टाइम पीरियड कितना हो गया, डेल्टा टी ना, T2 माइनस T1 डेल्टा टी। ये चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने टेम्परेचर चेंज किया। टेम्परेचर चेंज करने से टाइम पीरियड चेंज हुआ तो डेल्टा टी आ गया। अगर आप टेम्परेचर चेंज ना करते तो कैपिटल टी विल रिमेन सेम, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। कोई लॉस नहीं, कोई एरर नहीं है इसमें, एरर बोल सकते हैं इसे। तो आपको अगर मैं ये पूछूं कि कितना लॉस या गेन हुआ, तो इनडायरेक्टली मैं आपसे डेल्टा टी कैलकुलेट करने को कह रहा हूँ। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम पीरियड का मतलब कितना टाइम पीरियड चेंज हुआ पूरे दिन के अंदर, पूरे 1 घंटे के अंदर। जो भी क्वेश्चन वो बोलेगा कि गेन निकालो 1 घंटे में, गेन निकालो 24 घंटे में, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। मैं करके दिखाता हूँ कैसे। पहला स्टेप, आप इसमें एरर का रूल लगाएं। डेल्टा टी बाई टी, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है तो हाफ, सॉरी जी कॉन्स्टेंट है, हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल, ये लिखें। नेक्स्ट स्टेप लिखें, आप इसमें ये लिखें, ठीक, ये पहला स्टेप है। दूसरा, सेकंड स्टेप, इसमें ये बताओ, मैंने आपको ये करवाया था, जो नई लेंथ है वो 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला फॉलो करेगी। डेल्टा थीटा लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया, कन्फ्यूजन ना हो जाए ना, चेंज इन टेम्परेचर भी डेल्टा टी, टाइम पीरियड भी डेल्टा टी, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो मैंने डेल्टा थीटा ले लिया, तो एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये क्लियर है यहाँ तक डेल्टा एल का फॉर्मूला। तो मैं इस डेल्टा एल को यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई एल, कट गया। तो यहाँ से डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ इंटू एल्फा इंटू डेल्टा थीटा। नोट करें, अब इन टाइप की प्रॉब्लम में जानबूझ के वो आपको अल्फा नहीं देता है, पता है क्या करता है, वो गामा देता है, ताकि लोग ना वॉल्यूम का रिजल्ट लगा लें, पर ये तो लेंथ का रिजल्ट लगेगा। तो गामा से अल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा बाय बीटा, अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो गामा गिवन है तो अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि आपका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से कितना कर दिया गया, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू हाफ इंटू एल्फा इंटू, ये कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू 10 इंटू एल्फा, 2 से 20 कटेगा, 10 इंटू एल्फा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट इसमें, आपको इस क्वेश्चन में एल्फा की वैल्यू दी होगी या गामा की वैल्यू जैसे गिवन है। तो मान लो आपको गामा गिवन है, अगर गामा गिवन है तो अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा बाय 3। तो ये लो, तो अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू गामा, गामा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से अल्फा की जगह आप पुट कर देंगे गामा बाय 3, वो तो डिपेंड करता है ना, अल्फा गिवन है तो डायरेक्ट पुट कर लेंगे, अगर गामा गिवन है तो चेंज करके पुट कर लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, आपको क्वेश्चन में गेन या लॉस निकालना है, डेल्टा टी निकालना है। अब डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या आएगी, 10 इंटू एल्फा इंटू टी आ जाएगी इस क्वेश्चन में। अगर वो ये बोलता है कि 1 घंटे में कितना डेल्टा टी लॉस हुआ, तो यहाँ पर 1 घंटा पुट कर देना, 1 आवर इंटू 60 इंटू 60। लेकिन वो क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि 24 आवर्स, एक दिन में कितना लॉस हुआ,
तो एक दिन के लिए आप क्या करेंगे, इसको 24 × 60 × 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां से पुट कर लेना अल्फा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन में, अल्फा या जो भी गिवन होगा वो पुट करके डेल्टा टी आएगा। गेन या लॉस कैसे देखना है मैंने बता दिया आपको, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर एटलीस्ट दो ऑप्शन देखती इलिमिनेट होंगी, दो ऑप्शन गेन में होंगी, दो लॉस में होंगी। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ बढ़ती है, तो टाइम पीरियड बढ़ता है तो लॉस, तो आंसर लॉस में आंसर होगा इसमें, इसमें क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है 20 से 40, तो लॉस वाले दो ऑप्शन में से एक आंसर मार्क करना पड़ेगा, इतना समझ में आ रहा है। तो दो ऑप्शन तो सीधी इलिमिनेशन होती है इसमें। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया हुआ है आपको अल्फा, इस क्वेश्चन में आप देखो इसमें ना गामा गिवन है, तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे अल्फा, तो पीछे जो रिजल्ट है उसमें अल्फा की जगह पुट करेंगे आंसर आएगा। ये मेथड बहुत लंबा है, इसको नहीं करेंगे, इतना लंबा मेथड करने का मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपकी क्लॉक जो है वो लॉस में है, यानी कि स्लो रन करेगी, धीरे रन करेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें डेंसिटी रो मास एम एंड वॉल्यूम वी आर रिलेटेड एज, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, प्रूव दैट गामा की वैल्यू इसके इक्वल होगी। देखो ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो कह रहा है कि डेंसिटी को लिखो मास अपॉन वॉल्यूम इज टू पावर -1, क्योंकि उसने देख लिया डी रो चाहिए, इसको उठा के डिफ्रेंशिएट कर दिया। मेरे हिसाब से कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कह रहा है कि इसमें गामा की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर मैंने देख लिया डी रो है, डी रो का मतलब चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी और गामा का रिजल्ट है। इसकी बजाय आज मैंने आपको रिजल्ट करवाया, लिख लें साइड पे, रो डैश इज रो 1 प्लस नहीं 1 प्लस नहीं 1 माइनस गामा इंटू कितना, डेल्टा टी, यही था। तो रो डैश इज इक्वल टू रो माइनस रो इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, रो डैश माइनस रो विल बी इक्वल टू माइनस रो इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, ये क्या आ गया, डेल्टा रो इज इक्वल टू माइनस रो इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डेल्टा रो 1/रो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये मेरे ख्याल से सेम बन ही गया, डेल्टा रो डी रो डेल्टा टी डी टी बन गई, बात की जरूरत क्या कुछ करने की, ऑब्जेक्टिव में आएगा सीधा मार्क करने को हो ही जाएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक। नहीं तो जिसको मैथ ज़्यादा आता है उसको डिफ्रेंशिएट कर दे, बात तो एक ही है, वो कैलकुलस लगाएगा, जरूरत क्या है यार, सीधा कर तो लिया। डेंसिटी का वेरिएशन ज़्यादा ईजी है इसमें करना। तो ऑब्जेक्टिव में तो आ जाता है ये,